इस सफ़र की शुरुआत होती है हाईवे से और अभी लगभग रात के 1 बज रहे हैं और हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और यह रामनगर रोड है। इसे रामनगर नैनीताल रोड बोला जाता है। तो यार जैसा कि आप देख पा रहे हो उत्तराखंड परिवहन की बस सामने भी जा रही है। इसका यह कारण है कि रात को इस रोड पर जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तो जंगली जानवरों की वजह से यह बसें साथ में चलती हैं। तो फाइनली उत्तराखंड का ग्रीनरी से भरा हुआ पहाड़ों का सफ़र शुरू हो चुका है और अभी हमारे जो ड्राइवर दादाजी हैं उन्होंने बहुत प्यारा सा पहाड़ी गाना लगा रखा है और पूरा यार हरियाली भोर की है और बहुत ही अच्छा मौसम है यार। मॉर्निंग के लगभग 5 बजे का नज़ारा है और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है और मैं ब्रीथ ले पा रहा हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, दिल्ली में जैसा मौसम होता है बहुत ही अलग है यहाँ का एनवायरनमेंट। आप किसी भी पहाड़ी इलाके में चले जाओ आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। हर पहाड़ की एक अपनी खासियत है, उत्तराखंड की एक अपनी खूबी है। आप जितने भी लोग उत्तराखंड आए हैं घूमने के लिए आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको यहाँ पे आके कैसा लगा। तो यार बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद से मैं फाइनली अपने नैनीहाल पहुँच गया हूँ और सबसे पहले मैं पहुँचते ही अब यहाँ पे नदी में डुबकी मारने जा रहा हूँ और यार यहीं पे अपना बचपन बीता है और बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई अपनी। आज भी याद है बचपन में रामगंगा में हम पूरे दिन भर डुबकी मारते रहते थे, मतलब दिन में 4 बार हमारा नाना होता था तो आधे से ज़्यादा दिन हमारा नदी में बीतता था। तो यार जो लोग बोलते हैं कि पहाड़ के लोग इतने एक्टिव कैसे रहते हैं वहाँ के बच्चे लोग, तो यार यहाँ पे एम्यूज़मेंट पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पूरा इन्जॉयमेंट है और यहाँ पे देख सकते हो बच्चे की बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो पुल से छलांग मारना हो गया, नदी में तैरना हो गया, वो किसी भी तरीके से सक्षम है, मतलब पहाड़ में तो है ही और वो कहीं भी रह सकता है शहर में भी। और मोस्टली आपको पता ही होगा कि पहाड़ के जो बच्चे हैं वो आर्मी के लिए कितना डेडिकेटेड है, तो इनकी ट्रेनिंग यहीं से लगभग शुरू हो ही जाती है। तो यार जो कुछ भी मैं तैरना सीखा हूँ वो सब यहीं पे हुआ है मेरा, मतलब यहीं पे मतलब मैं सीखा हूँ स्विमिंग करना। तो यार यहाँ तो मैं भूल ही नहीं सकता, यहाँ से तो मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो फाइनली यार नदी में डुबकी मार के आ चुका हूँ मैं और अभी मैं खेतों की तरफ निकल चुका हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो नहर है पूरी सूखी हुई नज़र आ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ये ब्लॉक करी हुई है जिससे पानी ना आए, इससे क्योंकि नहर से खेतों में पानी जाता है और अभी इस टाइम पर फसल कट के खेतों में ही पड़ी है तो कहीं गीली ना हो जाए, इसलिए अभी ब्लॉक कर दिया है यहाँ पर। तो इसी नहर के ज़रिए खेतों में पानी भी जाता है और हम इसी नहर में कपड़े वपड़े भी धोते हैं और ये पानी काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है यार, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन और इसे पी भी सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ोगे। जैसा आप देख रहे थे ना नदी में पानी एकदम साफ़ सुथरा, वैसी इसी नहर में भी वही पानी आता है। तो यार इन बच्चों को देख करके आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये बच्चे कितने ज़्यादा मेहनती हैं और यार ये दिन भर मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और साथ में स्कूल भी जाना होता है, फिर आगे फिर ये काम करो, तो मतलब कि हैक्टिक शेड्यूल रहता है। तो यार फसल कटने का टाइम था ये और सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे थे कामों में। तो यार जो लोग शहरों से आते हैं घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए उन्हें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में और ऑब्वियसली लगना भी चाहिए क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, मगर गांव का लाइफ स्टाइल बहुत टफ है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खेती बाड़ी का काम संभालना हो गया,
पहाड़ों में जाके लकड़ियाँ काटना हो गया शाम को चूल्हा जलाने के लिए। गाय भैंस बकरियों को चराने जाना ठहरा, फिर उन्हें नहलाने जाना ठहरा, तो मतलब कि इतना काम ठहरा ना तो ख़त्म ही नहीं होता, सुबह से शाम हो जाती है। हाँ जी पहला जय हो अभी चलो हाँ जी कोई नहीं कोई हाँ जी और ये सामने हमारी माता श्री जी खड़ी हैं और ये अभी अभी रेस्ट करके खेतों में आई हैं और ये धान उठा रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं। इनका पूरा बचपन यहीं पे बीता हुआ है तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं और यहाँ पे आके इनका स्वास्थ्य पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पहाड़ों का हवा पानी इतना ज़्यादा स्वच्छ है तो हेल्थ का अच्छा होना तो जाहिर सी बात है और गांव में सभी लोगों का स्वास्थ्य पानी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं वहाँ के लोग और एक्टिव बहुत ज़्यादा है ना। तो यार अभी बारिश का मौसम होने लग गया था तो मेरे को लगा कि मेरे को भी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए तो मैंने एक गट्ठा धान का अपने सर पे रख लिया और घर की ओर रवाना हो गया। तो आइए दोस्तों आपको मिलाते अपने दो मित्रों से हीरा और मोती जो हमारे मामा जी ने दो बैल पाले हुए हैं। आपने शायद हिंदी की किताब में हीरा मोती दो दोस्तों की कहानी सुनोगी बैलों की तो ये कुछ वैसा ही जोड़ी है इनकी। तो दोस्तों अभी ये धानों की मटाई हो रही है फिर अभी इसमें से पराली अलग करेंगे धान अलग करेंगे फिर इसमें से चावल निकालेंगे फिर उसके बाद से भात बनेगा मतलब कि चावल। तो अभी ये धान की सफाई हो रही है और इसे हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज में धान की बताई बोलते हैं। तो यार अगले दिन ही नदी में बहुत तेज़ बाढ़ आ चुकी थी और एक दिन पहले नज़ारा कुछ और था। अभी ये ऊपर की तरफ बादल फटा था जिससे नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ था और अभी मतलब यहाँ पे जाना मतलब मौत को बुला हुआ देने के समान था। तो यार पहाड़ों का कुछ पता नहीं रहता कब मौसम बदल जाए तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है।